नमस्कार, जय गणेश। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजर नरेश। आज का ये वीडियो है राशि चक्र की तीसरी राशि वायु तत्व की राशि मिथुन राशि के लिए। शनि बदलने वाले मकर राशि के शनि कैसा फल देने वाले होंगे इसके बारे में। तो आपको बता दें कि ये प्रिडिक्शन चंद्र राशि आधारित है, और यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य भी मिथुन राशि के अंदर है तो भी ये प्रिडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। यानी कि कोई भी साल के अंदर 15 जून से लेकर 14 जुलाई के बीच में आपका जन्म हुआ है और जन्म के सूर्य भी आपके मिथुन राशि में है तो भी ये प्रिडिक्शन आपको असर करेगा, और यदि आपके सूर्य चंद्र दोनों साथ में है तो ये प्रिडिक्शन आपको ज़्यादा असर करेगा। तो शनि ग्रह की मकर राशि में ट्रांजिट 24 जनवरी 2020 से शुरू होने वाली है और चलेंगे यहाँ पर मकर राशि में 29 अप्रैल 2022 तक। तो राशि चक्र की जो तीसरी राशि मिथुन राशि है आपके लिए ये शनि का जो ट्रांजिट है वो लोहे के पाए पर चलेंगे। राशि से अष्टम स्थान में जब शनि चलते हैं तो छोटी पनौती कहलाती है। छोटी और बड़ी पनौती में फर्क क्या है कि छोटी पनौती जो दो स्थान के अंदर होती है, चौथे एवं आठवें स्थान के अंदर, जब चंद्र राशि से चौथे स्थान में शनि चलते हैं तो उसको भी छोटी पनौती बोलते हैं, और जब चंद्र से अष्टम स्थान में शनि चलते हैं उसको भी छोटी पनौती बोलते हैं, और जब चंद्र से बारहवें स्थान में शनि शुरू होते हैं तो उसको साढ़े साती बोलते हैं, जो साढ़े सात साल के लिए होती है। तो यहाँ पर जो शनि चलेंगे, अभी आपके शनि जो चल रहे हैं, आज हम शूटिंग कर रहे हैं 30 सितंबर को, तो शनि आपके राशि से सप्तम स्थान के अंदर चल रहे हैं। 30 सितंबर 2019 को शनि आपकी राशि से सप्तम स्थान के अंदर चल रहे हैं, दाम्पत्य जीवन के स्थान के अंदर चल रहे हैं, पार्टनर के स्थान के अंदर चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए शनि शुभ फल देने वाले नहीं है, क्योंकि पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में शनि वीक पड़ जाते हैं। इसकी जो योनि है ये वानर योनि है, बहुत चंचल योनि है, तो जिसके कारण पार्टनर की ओर से जबरदस्त टेंशन स्ट्रेस मिलने की संभावना रहती है। शनि ग्रह का आज का जो हमारा वीडियो है ये मकर राशि की ट्रांजिट के बारे में है। 24 जनवरी 2020 से लेकर शनि चलेंगे मकर राशि के अंदर, तो चलेंगे आपकी राशि से अष्टम स्थान के अंदर। आठवें स्थान में जब जैसे अभी हमने बताया कि इसको छोटी पनौती बोलेंगे, ढाई साल के लिए शनि की पनौती, लेकिन यहाँ पर जो शनि है वो 24 जनवरी 2020 से लेकर 29 अप्रैल 2022 तक चलेंगे मकर राशि में, फिर कुंभ राशि में चले जाएंगे अप्रोक्सीमेटली 3 महीने के लिए, और फिर 12 जुलाई को वक्री होकर आ जाएंगे और चलेंगे 17 जनवरी 2023 तक मकर राशि में। तो पर्टिकुलरली आज का जो ये वीडियो है मकर राशि में शनि आपको कैसा फल देने वाले होंगे उसके बारे में है। तो लोखंड के पाए पर चलने वाले शनि आपके लिए अष्टम स्थान के अंदर शुभ फल देने वाले नहीं हैं। वाणी में आपको संयम बरतना होगा, खास करके कुटुंब के अंदर फादर के साथ रिलेशन में केयर करना होगा। जो कोई भी जातक विवाहित है उनको अपने मैरिज लाइफ के अंदर, अपने फैमिली में, खास करके अपने मदर इन लॉ के साथ, और जॉब करने वाले जातकों को अपर लेवल के साथ, ये सब जगह पे आपको केयर करना होगा। साथ साथ आपको फैमिली एवं फाइनेंशियल मैटर के अंदर भी केयर करना होगा। और जो शनि की दृष्टि पड़ती है पंचम स्थान के अंदर, जिसके इफेक्ट में आपको खास करके अपने संतानों के बारे में भी केयर करना होगा, क्योंकि जब शनि अष्टम स्थान में चलेंगे तो आयुष्य बल में नो डाउट वृद्धि करने वाले बनेंगे, लेकिन जो दृष्टि होती है वो खराब होती है, तो अशुभ होती है, जिसके कारण यहाँ पर जैसे हमने बताया कि जॉब स्वतंत्र कर बिजनेस करने वाले जातकों को भी मंदी का सामना करना पड़े, ऐसी परिस्थिति हो सकती है। तो बिजनेस स्लो चलेगा, फाइनेंस का प्रॉब्लम रहेगा, ये सब इफेक्ट आपको महसूस होगी। तो शनि के निवारण के लिए क्या करें, शनि ग्रह के निवारण के लिए आपको कम से कम अपनी शक्ति के हिसाब से जितना भी आप दान कर सको इतना तेल का दान करना चाहिए, और वो जो दान है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग व्यक्ति को करना है और रोज करना है।
तो ये प्रयोग आप अभी से भी स्टार्ट कर सकते हो तो आने वाले समय में आपको रिलैक्सेशन रहे। तेल का दान करना है। दूसरा, ये करना पॉसिबल ना हो यदि आप अब्रॉड में रहते हो, कहीं ऐसी जगह पर रहते हो कोई आपको मिले नहीं लेने वाला ऐसा कोई तेल का दान करने, तो आप मैक्सिमम हनुमान जी की उपासना करते हैं कर सकते हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं और महत्तम अपने इष्ट देव या देवी का ध्यान करें। तो शनि ग्रह की जो आने वाली ट्रांजिट है मकर राशि में, ये आपके लिए शुभ नहीं है। वंस अगेन, शनि 12 जुलाई 2022 से लेकर 17 जनवरी 2023 तक 6 महीने शनि चलेंगे तांबे के पाए पर। अब जो ये पाया जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है पनौती के अंदर, तो जो लोखंड के पाए पर शनि आपको नुकसान करने वाले थे, डैमेज करने वाले थे, यही शनि जाते जाते 6 महीना आपको बेनिफिट करके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो उसका पाया है वो बदल गया है। तो पाया ऐसे इफेक्ट करता है, जो शनि की पनौती है उसके 4 पाए होते हैं। लोहे के पाए पर सबसे ज़्यादा खराब फल होता है, सोने के बाद सोने के पाए पर उससे कम खराब इफेक्ट होता है। तांबे में, तांबे के पाए पर जब चलते हैं तो शुभत्व प्रदान करते हैं और चांदी के पाए पर भी लाभ करवाने वाले होते हैं। सबसे ज़्यादा शुभ फल इसका तांबे के पाए पर पाया गया है। तो तांबे के पाए पर जब चलेंगे तो 12 जुलाई 2022 से लेकर 17 जनवरी 2023 तक अप्रोक्सीमेटली 6 महीने का जो पीरियड है आपके लिए, यही शनि आपको वापस आपको बिजनेस में कैरियर में प्रोग्रेस करवा के जाएंगे। पिता के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे, अच्छे बन सकते हैं और जॉब में भी प्रोग्रेस रहेगा, फाइनेंस का भी प्रोग्रेस रहेगा। तो बदलते 6 महीने जो हैं वो आपके लिए शुभ है। लेकिन जो अष्टम स्थान में चलने वाले हैं, ये शनि उत्तराषाढ़ नक्षत्र में चलेंगे 26 दिसंबर 2019 से 22 जनवरी 2022 तक अप्रोक्सीमेटली 1 साल और 26 दिन शनि उत्तराषाढ़ नक्षत्र में चलेंगे। तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र में शनि की शांति के लिए क्या करना है? उत्तराषाढ़ नक्षत्र में शनि की शांति के लिए आपको मैक्सिमम बंदरों को खिलाना है, क्योंकि उत्तराषाढ़ नक्षत्र की जो योनि है ये नकुल योनि है। नकुल माने नेवला, तो नेवले को खिलाना तो पॉसिबल नहीं है इसकी शांति के लिए। उसके आगे वाला जो नक्षत्र है पूर्वाषाढ़, इसके लिए आपको वानरों को यानी कि बंदरों को रोज़ खिलाना चाहिए। अदरवाइज जब भी आपको बंदर दिख जाता है बंदरों को खास खिलाएं। तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र की ट्रांजिट मिथुन राशि में जन्मे हुए प्रत्येक नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए कैसा फल देने वाली होगी, इसके बारे में अब डिटेल में चर्चा करते हैं। तो मिथुन राशि कैसे बनती है पहले वो जान लीजिए। वृक्षिश नक्षत्र के 3rd और 4th चरण, आद्रा नक्षत्र के 4 चरण और पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण ऐसे मिला के ये मिथुन राशि बनती हैं। और उत्तराषाढ़ नक्षत्र में पूरा 2020 का साल शनि चलने वाले हैं, 2020 उत्तराषाढ़ में चलेंगे। तो उत्तराषाढ़ की ट्रांजिट मिथुन राशि में मृगशीर्ष नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए ज़्यादा कष्टकारक होगी। कष्टकारक भी बोल सकते हैं, पीड़ादायक भी बोल सकते हैं, टेंशन वाली भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो आपके लिए शनि चलेंगे शत्रु नक्षत्र में और सूर्य का नक्षत्र है शनि का उत्तराषाढ़ जो आपका शत्रु नक्षत्र है, और शनि के नक्षत्र से जो आपका नक्षत्र है ये विपत नक्षत्र हैं। तो आपको ये जबरदस्त टेंशन देने वाले होंगे यदि आपका जन्म मिथुन राशि में मृगशीर्ष नक्षत्र में 3rd या 4th चरण के अंदर आपका जन्म हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप जबरदस्त टेंशन फेस करेंगे पारिवारिक मामलों में, फाइनेंशियल मैटर के अंदर, अपने इन लॉज के साथ, जॉब करने वाले जातक अपर लेवल के साथ, सभी जगह से आप टेंशन स्ट्रेस महसूस करेंगे। तो डेफिनेटली हमने जो आपको अभी रेमेडीज बताए हैं वो आप करें, उससे आपको बहुत शांति रहेगी। और बात करते हैं आद्रा नक्षत्र वाले जातकों के लिए।
मिथुन राशि में अदरा नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए भी जो ये ट्रांजिट है शुभ नहीं होगी, क्योंकि जो शनि चलेंगे आपके वध नक्षत्र में चलेंगे। राहु के नक्षत्र वाले तमाम जातकों के लिए जो शनि का ट्रांजिट है, अदरा स्वाति शतविषा तमाम नक्षत्र वाले जातकों, अदरा वाले को ज़्यादा नक्षत्र वाले जातकों को ज़्यादा स्ट्रेस महसूस होगा, क्योंकि आपके वध नक्षत्र में चलेंगे तो आपको भी पारिवारिक समस्या, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सब जगह पे आपको ज़्यादा केयर करना होगा। फाइनेंस प्रॉब्लम ना हो तो फाइनेंस के ऊपर वॉच रखें कि आपको कहीं से लॉसेस ना आ जाए। और जो नक्षत्र पुनर्वसु के तीन चरण हैं, इनके लिए जो ट्रांजिट है शनि का आपके लिए साधक नक्षत्र में चलेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको आपके गुप्त ज्ञान में वृद्धि होती है, आपके गुप्त रिलेशन में डेवलपमेंट होता है, कहीं ना कहीं से आपको बेनिफिट मिलने वाला है, जो गुप्त बेनिफिट बोल सकते हैं। तो ऐसी कोई भी संभावना है कि आपको कहीं ना कहीं से आपको लाभ मिलने की संभावना रहेगी। तो शनि ग्रह के निवारण के लिए जैसे हमने बताया कि आप रोज तेल का दान करें, हनुमान जी की मैक्सिमम उपासना करें, और यदि आपके कोई मित्र है मिथुन राशि वाले, और यदि आपके कोई मित्र हैं जिसका जन्म 15 जून से लेकर 14 जुलाई के बीच में हुआ है, तो ये वीडियो आप उनको ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये प्रेडिक्शन का लाभ मिल सके। यदि आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं तो नंबर अवश्य नोट करें। नंबर इस प्रकार है 9998011838, यानी कि 9998011838। अब जहाँ भी रहो खुश रहो, प्रसन्न रहो, हेल्दी रहो, ऐसी शुभकामना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि चैनल से जो भी नए वीडियो अपलोड होते हैं उसकी आपको तुरंत जानकारी मिलेगी।